आपकी सरकार कुछ नहीं कर रही। एडिशनल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, तमाम लोग बात करने के लिए व्याकुल है। शाम को 5 बजे से एक बैठक बुलाई है। अभी पांडे जी बता रहे थे कि शायद उसको बढ़ा के कल के लिए कर दिया गया है। मेरे पास अभी मैसेज नहीं है, मेरे पास जो मैसेज है वो आज ही बैठक 5 बजे की सेक्रेटरी डीपी की अध्यक्षता में होना है। और क्योंकि हमारे साथी पाठक जी यहां है, श्री कुमार जी चेन्नई में है, श्रीनिवासन जी चेन्नई में है, लेकिन बीपीएमएस के लोग दिल्ली में है। उनसे बात करके, क्योंकि उन्होंने कहा हम इतने जल्दी नहीं आ सकते और सरकार को यह मौका ना मिले कि हमने बुलाया और आप क्यों नहीं आए, इसलिए इन लोगों ने कहा कि आप जाइए और सरकार क्या कहती है। 2 बार तो मीटिंग हो गई, वही प्रस्ताव। अगर कोई सरकार के पास नया प्रस्ताव है तो लाए, और अगर सरकार ने कोई नया प्रस्ताव दिया तो तुरंत पांडे जी से, श्री कुमार जी से, श्रीनिवासन जी से, अशोक सिंह जी से फिर बातचीत किया जाएगा कि इस तरह का प्रस्ताव है। आपको चिंता नहीं करना, आप ये सोच लो अगर आपकी एकता कायम रही आई और एकता कायम रही, तोड़ने की लोग बहुत कोशिश कर रही है। और मैं उन लोगों से भी अनुरोध करता हूं, बहुत सारे लोग व्हाट्सएप में, फेसबुक में बड़े बड़े स्लोगन डालते, अपनी समझ में वो बहुत बड़ी बाजी मार रहे हैं, लेकिन वो लोगों के मन में संशय पैदा करते हैं। मेरा कहना है दोस्तों, आपको एकता बना के रखना है और इस लड़ाई को, जैसे हमारे आलोक मिश्रा जी ने कहा कि हम आपके साथ हैं, हमने कहा कि हमारी वो क्षमता नहीं है कि हम चैंबर ऑफ कॉमर्स, एडवोकेट और जितनी संस्थाएं इन सबको एकत्र कर सके। उन्होंने कहा हम करेंगे, और अगर ये लड़ाई थोड़ा खिंची तो जबलपुर बंद होगा।